बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज फरतुल्लाह नामर, योर ग्राफिक डिजाइनर ट्रेनर। ठीक है, मैं आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग की जो स्किल है वो इंशाल्लाह सिखाऊंगी। आज हमारा डेमो सेशन है दैट व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इन ऑनलाइन एंड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सीखनी क्यों चाहिए चाहिए। ठीक है मुनीब, आप हैंड रेस बाद में कर लीजिएगा, मैं लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को 10 मिनट्स दूंगी, आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा जो भी आपने पूछना हो। सबसे पहले तो ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ फील्ड वेयर वी क्रिएट डिजाइन, वेयर वी क्रिएट विजुअल, वेयर वी क्रिएट एडवर्टाइजमेंट, वेयर वी क्रिएट ब्रांड डिजाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी भी शॉप पर जाते हैं या किसी भी बिजनेस की बात अगर की जाए, तो बिजनेस के फील्ड में अगर आपको कोई कार्ड देता होगा, अक्सर आप किसी शॉप पे जाते हैं ना, आप लोगों को छोटा सा कार्ड मिलता है कि ये हमारा नंबर है, ये हमारी डिटेल्स है, अगर कभी आपने रابطہ करना हो तो आप इस चीज पर रابطہ करें। इस पे फोन नंबर लिखा है, इस पे हमारा एड्रेस लिखा है और इस पे हमारी कंपनी की डिटेल्स लिखी है, आप इस पे रابطہ कर सकते हैं अगर आपने फर्दर हमसे शॉपिंग करनी हो। अगर हम लोग मार्केट जाएं तो आप लोगों को छोटे छोटे कार्ड नजर आते होंगे। अब वो कार्ड क्या है? वो कार्ड है हमारी ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है? ब्रांड आइडेंटिटी होती है किसी भी पेपर के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आपका अपना लोगो डिजाइन, आपकी विजुअल आइडेंटिटी जो लोगों को आपके ब्रांड की इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है मैं वो बता रही हूँ। ब्रांड आइडेंटिटी को बनाने वाले कौन होते हैं? ग्राफिक डिजाइनर। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो कार्ड का सैंपल तो छोटा सा कोई कार्ड देखा ही होगा। आप किसी भी मार्केट में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, वो आपको अपना छोटा सा कार्ड दे देते हैं कि आपकी हमारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी हुई है, आप लोग रابطہ कर सकते हैं। तो उस कार्ड को बनाने वाला कौन होता है? ग्राफिक डिजाइनर। और उस कार्ड पे जो बना होता है वो हमारे लिए एक स्किल है, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, हम किसी को विजुअल डिजाइन बना के देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो। आप यहाँ पर जूम का ही आइकन ले लें। ये जूम का आइकन किसने बनाया है? ये जूम का आइकन, या इसको आप जूम का लोगो भी बोल सकते हैं, ये बनाने वाला कौन है? ये बनाने वाले होते हैं ग्राफिक डिजाइनर। आप मेरे डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड है वो भी आप देख रहे हैं, ये एक बैकग्राउंड कवर है। ठीक है, एक वॉलपेपर डिजाइन भी कहा जा सकता है इसको, और एक बैकग्राउंड कवर भी बोला जा सकता है इसको। ये एक बैकग्राउंड डिजाइन है जो कौन क्रिएट करेगा? ग्राफिक डिजाइनर। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल ही है कि आप लोग इसके अंदर डिजाइन बनाना सीखते हो, आप लोग इसमें इलस्ट्रेशन बनाना सीखते हो। इलस्ट्रेशन क्या होती है? कार्टून बनाना। कार्टून आपने फिर टीवी पे, कार्टून तो सबको पता है क्या होते हैं, कार्टून मैस्कोट, कॉमिक्स, कॉमिक बुक, जो आपके जो बच्चों की छोटी छोटी एबीसी की बुक होती है वो भी मैस्कोट और कार्टून में ही आ जाती है। उस तरीके की उसपे जो डिजाइनिंग की होती है, जो स्टोरी बुक्स आपने अक्सर छोटे बच्चों की देखी होंगी, वो कहलाती है इलस्ट्रेशन। आप उनको फिजिकल अगर प्रिंट करवा के यूज करेंगे तो वो होती है एक्सक्यूज मी मुनीब, आप क्या कर रहे हैं? आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम दी मीटिंग। ओके, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं तो काइंडली आप मैसेज कर दें, अदर नाउ आई एम रिमूविंग यू। क्लास में इस तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि आपको टीचर रिमूव ही कर दे। ठीक है, तो इस तरह के काम मैं पसंद भी नहीं करती हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे क्लास के दौरान। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ग्राफिक डिजाइनिंग में हम क्या क्या डिजाइन करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया बिजनेस कार्ड, ठीक है, बिजनेस कार्ड बताया मैंने आपको। दूसरी चीज बताई ये लोगो, लोगो या आइकन डिजाइन। तीसरी चीज क्या मैंने बताई? जो बैकग्राउंड कलर है, वॉलपेपर है। इनफैक्ट आप किसी भी चीज को यूज करते हो, कोई भी फिजिकल चीज, इनफैक्ट आप लैपटॉप, मैं
जिससे भी आपको क्लास दे रही हूँ वो एक लैपटॉप है। आप लैपटॉप भी यूज करते हो उसका फिजिकल जो बॉडी है उसको भी पहले डिजाइन किया जाता है। उसके बाद लैपटॉप के अंदर अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर के लिए भी इस तरीके की जो स्क्रीन है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। जो हर फील्ड है, हर फील्ड, कोई भी फील्ड है, चाहे वो फिजिकल जॉब है, चाहे वो ऑनलाइन जॉब है, चाहे वो ऑनलाइन वर्किंग है, किसी भी तरह की, यानी कोई भी फील्ड हो, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेट करती है। कोई भी चीज आप देख ले उसमें ग्राफिक डिजाइनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट आपके जो मोबाइल की स्क्रीन्स हैं या मोबाइल, कोई भी मोबाइल है, उस पे यूआई यूएक्स डिजाइनिंग आपको कहना होगा। मेरे ख्याल से यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। मोबाइल की जो स्क्रीन की डिजाइनिंग है वो पहले एक ग्राफिक डिजाइनर बना के देता है, देन कोडिंग के जरिए उसको एज अ डिजाइन हम लोग मोबाइल में पुट करते हैं, देन वो मोबाइल में ऑपरेट होता है। उसके बाद अगर यूएक्स की बात की जाए, यूजर एक्सपीरियंस, वो लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह की स्क्रीन, विंडोज की स्क्रीन के लिए बेसिकली होता है यूजर एक्सपीरियंस, जिसको यूएक्स डिजाइनिंग कहते हैं। अब लैपटॉप की भी जो स्क्रीन का डिजाइन है वो भी कौन क्रिएट करेगा? ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सी फील्ड आ जाती है। आप अगर बात करो ब्रांड से लेकर मोबाइल ऐप डिजाइनिंग तक, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग तक, बुक डिजाइनिंग, क्लोथ डिजाइनिंग, अगर मैं आपको इसकी स्कोप के बारे में बात की जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग में हम लोग बिना क्या क्या सकते हैं और इसकी आगे डिमांड्स क्या क्या है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगी fiverr.com। ठीक है, fiverr एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो। मैं यहाँ से स्विच टू सेलिंग पे जा रही हूँ, बाइंग पे जा रही हूँ। आप लोग यहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल सीख लेते हो तो आप क्या क्या चीजें ऑफर करवा सकते हो लोगों को। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल रिसेंटली स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है थंबनेल डिजाइन। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, आप लोगों को पहले एक पेज नजर आता है कि वीडियो के अंदर क्या है, उसको हम बोलते हैं थंबनेल। थंबनेल डिजाइन भी ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, खुद के लिए नहीं है, बट आप किसी और को ये सर्विसेज दे सकते हो। आप यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद या थंबनेल डिजाइनिंग सीखने के बाद आप उन यूट्यूबर्स के पास जा सकते हो, उनको मेल कर सकते हो, उनको इनबॉक्स कर सकते हो कि मैं एक अच्छे थंबनेल्स बनाता हूँ, अगर आपको एक थंबनेल डिजाइनर की जरूरत हो देन यू कैन हायर मी। ठीक है, आप डायरेक्ट उनसे जाके रापता कर सकते हो थंबनेल डिजाइनिंग के लिए आफ्टर लर्निंग दिस स्किल, इस स्किल को सीखने के बाद। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग पर जा रही हूँ। ठीक है, फाइबर, फाइबर पे आप ऑनलाइन सेल करते हो अपनी स्किल्स को। अब लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी की मैंने बात की थी कि ये एक स्किल है, ये एक फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जिसमें लोगो या लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गूगल की बात कर ली जाए, लोगो डिजाइन मैंने आपको जूम का आइकन दिखाया है ना, जूम का आइकन ये लोगो है इसका, ये इस ऐप का लोगो है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल का लोगो क्या है, ये जो छोटा सा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये जिसकी तरफ मेरा पॉइंटर है, ये लोगो है गूगल का। ठीक है, उसके बाद ये फाइबर का लोगो है, ये भी और ये भी, फाइबर के दो लोगो हैं जो उन्होंने एक इस स्क्रीन पर लगाया हुआ है और एक ये छोटा सा लोगो जो कि वेबसाइट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं लोगो डिजाइन, जो कि हम इंशाल्लाह आगे कोर्स के अंदर सीखेंगे। उसके बाद ब्रांड स्टाइल गाइड, ब्रांड स्टाइल गाइड क्या होती है, आपके ब्रांड के लिए जो पैम्फलेट हो गए या आपके ब्रांड किस चीज से रिलेटेड करता है, मतलब अगर वो किसी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन से रिलेट करता है तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के जो स्केचेस होते हैं वो ग्राफिक डिजाइनर ड्रॉ करेगा। तो ब्रांड स्टाइल गाइड्स इसको कहते हैं कि स्टेप वाइज उन लोगों ने चलना कैसे है, एक स्टेप क्रिएट करके वो देंगे। उसके बाद बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी का मतलब है आपने अक्सर देखा होगा टी शर्ट के ऊपर लोगों ने लोगो डिजाइन बनाए होते हैं या अपनी कंपनी के नेम लिखे होते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जो सबको ऑलमोस्ट पता होगा कोका कोला का जो ब्रांड है उन्होंने एक ग्लास भी लॉन्च किया हुआ है, तो उनके ग्लास के ऊपर कोका कोला का जो लोगो है वो बना होता है। अगर आप बात करें स्टेशनरी डिजाइन की तो स्टेशनरी डिजाइन क्या होता है, किसी जो आपका ब्रांड है उसकी आइडेंटिटी को किसी चीज के ऊपर, जैसे
फिजिकल चीज के ऊपर यूज करना, फॉर एग्जाम्पल शर्ट के ऊपर कोका कोला का लोगो लगा हुआ है या उस ग्लास के ऊपर उसका लोगो बना हुआ है, इसको कहते हैं स्टेशनरी डिजाइन फॉर ब्रांड किट, फॉर ब्रांड किट। ठीक है, ब्रांड किट मतलब बिजनेस के लिए, आपके ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए। ये बेसिकली प्रमोशंस के लिए यूज होते हैं ना, तो प्रमोशंस के लिए डिजाइनर जिसको बनाते हैं, डिजाइनर जिसका विजुअल डिजाइन बनाते हैं, देन उसके बाद ये प्रिंट होके लोगों तक पहुंचते हैं। इंशाल्लाह कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल से ये सारी ब्रांड किट पढ़ेंगे कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी, जो फॉन्ट डिजाइनिंग है वो भी काइंडली 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। जो फोन डिजाइनिंग है वो भी ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं, वालेकुम अस्सलाम। जो फोन डिजाइन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर्सिव राइटिंग, आप लोगों ने कर्सिव राइटिंग देखी होगी, वो भी टाइपोग्राफी में आती है या फोन डिजाइनिंग में आती है। अब ये गूगल जो लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट राइटिंग जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा। तो मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि हर फील्ड के अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत जरूरत होती है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद लोगो मेकर टूल, ये तो है नहीं, एक टूल है ना। उसके बाद हमारे पास फील्ड आ जाती है वेब एंड ऐप डिजाइन, जिसको मैंने बताया था यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। विजुअल डिजाइनिंग में इमेज एडिटिंग, प्रेजेंटेशन डिजाइन आ जाते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल, इंफोग्राफिक, वेक्टर ट्रेसिंग, रिज्यूमे डिजाइन। उसके बाद आर्किटेक्चर के लिए टूल अलग यूज होता है, हम लोग वो सीखेंगे नहीं, तो मैं इस फील्ड में आपको भेजूंगी मैंने, ये किसी काम की नहीं है फिर वक्त। खैर, उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन भी एक फील्ड है, इसमें हम इलस्ट्रेशन बनाना सीखेंगे। एआई आर्टिस्ट जिनका फीचर है, फाइबर वालों का, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन, मैंने आपको अभी बताया कि जो छोटे बच्चों की एबीसी की बुक होती है, ये उसके अंदर, ये सेक्शन उसके अंदर आएगा। पोर्ट्रेट एंड कार्टून एंड कॉमिक्स, कार्टून एंड कॉमिक्स भी इलस्ट्रेशन में आएगा। पैटर्न डिजाइन, टैटू डिजाइन, स्टोरी बोर्ड, एनएफटी आर्ट, ये सारे इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है प्रोडक्ट एंड गेमिंग डिजाइन, ये इंशाल्लाह हम लोग प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। प्रोडक्ट डिजाइनिंग किसी भी प्रोडक्ट का मॉडल, मैंने आपको बताया ना, इनफैक्ट अगर लैपटॉप है जिसमें मैं अभी क्लास दे रही हूँ, इसका भी पहले मॉडल बनाया गया होगा, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। एक ग्राफिक डिजाइनर पहले मॉडल बनाता है, देन वो प्रिंट होता है, देन उसके बाद उसका एक डिजाइन बनाया जाता है, जो कि विजुअल, जो कि एक फिजिकल डिजाइन होता है, विजुअल नहीं, फिजिकल डिजाइन। उसके बाद प्रिंट डिजाइन, प्रिंट डिजाइन में हम लोग सीखेंगे फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, कैटलॉग डिजाइन, मेन्यू डिजाइन। उसके बाद विजुअल डिजाइनिंग मैंने आपको बता दिया है। मार्केटिंग डिजाइन, मार्केटिंग में सोशल मीडिया डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल आप लोग फेसबुक पे अक्सर पोस्ट करते हो किसी की भी, और आप ग्राफिक डिजाइनिंग लिख के सर्च करो, आपको डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनर्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए जो पोस्ट बनाई जाती हैं। बल्कि अभी रबी अव्वल के लिए आपने अक्सर रबी अव्वल मुबारक की या ईद मिलाद उन नबी मुबारक, ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक लिखा हुआ होगा किसी भी पोस्ट के ऊपर, तो वो जो डिजाइन होता है वो सोशल मीडिया डिजाइन कहलाता है। फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, गूगल के ऊपर, कहीं पर भी ऑनलाइन सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म आ सकता है। गूगल पर अगर आप गूगल इमेजेस में देखें, पिंट्रेस्ट हो गया, अनस्प्लैश हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर अगर आपको पोस्ट नजर आती है, वो डिजाइन सोशल मीडिया डिजाइन कहलाएगा। उसके बाद सोशल पोस्ट एंड बैनर, वो भी सेम चीज है। ईमेल डिजाइन, वो भी सेम चीज है। उसके बाद वेब बैनर, ये थोड़ा सा लार्ज स्केल पे होता है, मतलब इसका साइज डिफरेंट है, इन चीजों का साइज डिफरेंट है, बट बनाने का तरीका कार एक ही है, इन सब का बनाने का तरीका कार एक ही है। इंशाल्लाह हम लोग ये डिटेल से सीखेंगे। उसके बाद पैकेजिंग एंड कवर डिजाइन, ठीक है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक परफ्यूम की बोतल, उसके ऊपर लेबल लगा होता है, या कोका कोला की आपने बोतल देखी होगी, उसके ऊपर रेड कलर का एक लेबल बना होता है, जो ऊपर स्टिकर नहीं लगा होता, उसको कहते हैं लेबल डिजाइन, पैकेजिंग एंड लेबल डिजाइन, वो भी हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से सीखेंगे। उसके बाद बुक डिजाइन एंड बुक कवर डिजाइन। बुक डिजाइन मतलब जो बुक के ऊपर जो कवर होता है, बुक का जो फर्स्ट पेज होता है, जिसको उर्दू में गत्ता भी बोला जाता है, तो गत्ते के ऊपर जो डिजाइन बना होता है वो बुक कवर डिजाइन या बुक डिजाइन के अंदर आता है। उसके बाद एल्बम कवर डिजाइन, एल्बम के ऊपर भी जो कवर बना होता है वो इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे।
फैशन एंड मर्चेंडाइज में टी शर्ट डिजाइन बस हम सीखेंगे, ज्वेलरी डिजाइन हमारी फील्ड नहीं है, 3D डिजाइन इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। 3D डिजाइन में 3D प्रोडक्ट डिजाइनिंग सीखेंगे, जो जो स्किल्स ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है ना वो ही इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी, और जिनकी आगे स्कोप है इंशाल्लाह वो ही मैं आपको सिखाऊंगी, आपको आगे जाके बहुत काम है। अगर आप ऑनलाइन जॉब करते हो ऑनलाइन भी आपको बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप फिजिकल जॉब करते हो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ऑनलाइन से भी ज्यादा, ग्राफिक डिजाइनर की बहुत स्कोप। अब बारी आती है, मैंने आपको स्किल्स बता दी कि आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में सीखेंगे क्या क्या। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके लिए हमें टूल्स कौन कौन से यूज करने चाहिए। अगर आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, या अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग लेवल की जो कि कोई भी आम बंदा इजीली कर सकता है, वो सीखना चाहता है ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक जानना चाहता है, उसके लिए टूल यूज होता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा आम है, उसका नाम है कैनवा। ठीक है, कैनवा एक टूल है या वेबसाइट है ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, या ये आर्टिस्ट वो एक टूल था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब खुद से क्रिएट होने वाला डिजाइन, वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं है, वो एक पेड टूल है। आप जो चीजें खुद से मैन्युअली सीख रहे हैं ना खुद से बनाना, वो चीजें आपको एआई टूल बना के देते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में वो एआई टूल बना के देते हैं। मैं जरा टूल्स डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे बेसिक है कैनवा, उसके बाद जो लोग एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं या वो लार्ज स्केल के ऊपर अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को यानी यूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए टूल यूज होता है एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, उसके लिए टूल यूज होता है एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर वो बहुत ज्यादा हैवी टूल है। ठीक हैवी मतलब एक तो ये स्पेस वाइज भी बहुत हैवी है, इसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट है, और दूसरी बात ये कि लैपटॉप की स्पेस भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी अच्छी मुनासिब होनी चाहिए, इसमें टूल वर्जन है, मतलब इसके अंदर सॉफ्टवेयर के पुराने भी वर्जन है न्यू वाले भी वर्जन है, आप इसमें हर तरह की चीज बना सकते हैं, हर तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैंने आपको जितनी भी अभी तक फील्ड बताई है ना वो सारी के सारी एडोब इलस्ट्रेटर में बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर किसी को दूसरी डिजाइनिंग की अगर बात की जाए तो दूसरे टूल्स भी बहुत सारे हैं, मैंने अभी कैनवा के बारे में बताया, मैंने बताया कोरल ड्रॉ, सॉरी मैंने अभी नहीं बताया, मैं तो बताती हूँ, कोरल ड्रॉ भी एक है, उसके अलावा है एडोब फोटोशॉप और एडोब इन डिजाइन। ये सारे टूल्स एक साइड पे और एडोब इलस्ट्रेटर की अहमियत एक साइड पे, आप एडोब इलस्ट्रेटर सारे टूल्स का मिक्सचर है। ठीक है, सारे टूल का मिक्सचर, आप इस टूल के जरिए हर तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब मैंने कैनवा आपको बताया कि वो बेसिक लेवल पे सीख यानी आप लोग बना सकते हो, बेसिक लेवल पे बना सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो कैनवा है वो एक लिमिटेड हद तक आपको डिजाइनिंग बता देता है। लिमिटेड मतलब फॉर एग्जाम्पल 1080x1080 पिक्सल, जो एक आम स्क्रीन का साइज होता है वो 1080x1080 पिक्सल का होता है। तो अगर आपने 1080x1080 पिक्सल का डिजाइन बनाना है वो बनेगा कैनवा में। ठीक है, वो तो बन जाएगा कैनवा में, बट अगर 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 आपका क्लाइंट कह दे कि मुझे 3000 पिक्सल का साइज चाहिए मेरी इमेज के लिए या मेरे डिजाइन के लिए, तो वो डिजाइनिंग आप कैसे करेंगे, वो डिजाइनिंग आप कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर की खासियत ये है कि आप लोग इस पे लार्ज स्केल में ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, और यहाँ पर आप जो कैनवा है उसमें एक लिमिटेशन है, उसमें हर तरह के साइज भी अवेलेबल नहीं है, और दूसरी बात वहां पे टेम्पलेट्स के थ्रू भी आप वर्किंग कर सकते हो, बट जो एडोब इलस्ट्रेटर है इसमें आप फ्री हैंड, आप एक छोटा सा डॉट भी एडिट करना चाह रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू नहीं बताऊंगी, वो इंशाल्लाह हम डिटेल से सीखेंगे, अगर मैं आपको कहूँ कि एक छोटा सा डॉट भी एडिट करना ना वो भी आप एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। ये हमारे पास आर्टबोर्ड है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना रही हूँ एज अ डॉट। ठीक है, छोटा सा मैंने सर्कल बना दिया, मैं इसका जो फिल है वो नन कर रही हूँ और जो स्ट्रोक है उसको फिल कर। ठीक है, मतलब ब्लैक कलर का एक छोटा सा मैंने डॉट बना दिया इसको, ये देखिए एक छोटा सा डॉट है, ये 500x500 पिक्सल्स की बात हो रही है,
ये मैंने 500x500 पिक्सल का एक साइज लिया है। अगर मैं इसको जूम करूं, ये देखें, ये डॉब इलस्ट्रेटर की खासियत है। ये चीज आप किसी और टूल पे नहीं कर सकते जो कि आप एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हो। हर तरह की डिजाइनिंग, डिटेल ड्राइंग, डिटेल इलस्ट्रेशन, एक छोटा सा डॉट भी आपने एडिट करना ना, मैं इसको भी कितनी हद तक जूम कर सकती हूँ, एक छोटा सा डॉट भी आप एडिट करना चाहो आप उसको भी एडिट कर सकते हो। और आप देखिए, ये 6400 का जूम इन है, 6400 का ये जूम इन है। आप 6000% इसको जूम इन कर सकते हो। ये डॉब इलस्ट्रेटर की बेसिकली खासियत है। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसी टूल पर काम करेंगे। जो इस टूल पर काम कर गया उसको किसी और टूल को सीखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। बाकी सारे टूल्स ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मैं कहूंगी बेकार है। जिसको ये आ गया वो ग्राफिक डिजाइनिंग में मास्टर हो गया, ठीक है। जिसने इसके ऊपर ग्रिप कर ली वो ग्राफिक डिजाइनिंग में मास्टर हो गया, ठीक है। इसको डिटेल से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, उसके फील्ड क्या क्या हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया टूल्स के बारे में, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का एक माइंड, एक नक्शा तो आपके जहन में बन ही गया होगा। तो अब मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर करती हूँ। बट पहले मैं आपको एआई के बारे में बता दूँ। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अक्सर आजकल सुना ही होगा कि जो रोबोट्स हैं उन्होंने इंसानों की जगह ले लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रोबोट है। अब ये जो काम, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि हम लोगों ने इलस्ट्रेशन बना दी, यहाँ हम लोगों ने बिजनेस कार्ड बनाना है। आजकल कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको, आपने उनको कमांड देनी है कि मुझे इस कंपनी के लिए एक बिजनेस कार्ड बना के दे दे। वो टूल कुछ ऐसा टूल है, मतलब वो रोबोट नहीं है, वो भी इसी तरह से एक टूल है। नहीं, अभी एआई ग्राफिक डिजाइनिंग में आया ही नहीं, और जिस हद तक आया वो मैं बता रही हूँ आपको। एआई पे काम करना चाहिए, डेफिनेटली मुझे सिर्फ एआई पे काम करना चाहिए। कैनवा बहुत बहुत बेसिक है। कैनवा को लोग छोड़कर एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ आते जा रहे हैं, क्योंकि कैनवा हर हर तरह की टेम्पलेट के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, हर तरह की टेम्पलेट के लिए सपोर्ट नहीं करता। आप कैनवा सीखना चाहें वो सीखें, वो एक अलग बात है। पर जो बात है एडोब इलस्ट्रेटर की, जो बंदा एडोब इलस्ट्रेटर सीख जाए वो ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो जाता है। उसकी कमांड ग्राफिक डिजाइनिंग पे, कलर पे, और डिजाइन के जो लेआउट हैं, टेम्पलेट हैं, उनके ऊपर उसकी कमांड जो है वो एक टेम्पलेट यूजर की नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप, ये बेस्ट टूल है, आप लोगों ने बेस्ट चॉइस किया है कि आप लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर का ही कोर्स ज्वाइन किया है। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगी इस मामले में कि ये बहुत अच्छी आप लोगों ने स्किल अपनाई है। मैं खुद भी कैनवा ट्रेनर हूँ, मैं कैनवा भी सिखा रही हूँ। बट मैं कैनवा उनको सिखाती हूँ जिनके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, जिनके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, जिनके पास कोई और रिसोर्स नहीं है, खासकर फीमेल्स। मैं कैनवा सिर्फ फीमेल्स को, मेरी जो प्रायोरिटी है कि कैनवा फीमेल्स को सिखा दिया जाए कि वो छोटे मोटे डिजाइन बना के आगे सेल करके अपने लिए थोड़ी बहुत पॉकेट मनी जनरेट कर ले ऑनलाइन वर्किंग करके। मैं फीमेल्स को कैनवा के बारे में सिखाती हूँ, ठीक है। मैं सिखाती हूँ कैनवा, खुद मैं खुद भी जानती हूँ, मैं इस पे थोड़ा बहुत काम भी करती हूँ। बट एआई की अगर बात की जाए, अगर आप एआई जान गए, एडोब इलस्ट्रेटर जान गए हैं, देन यू आर अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। काइंडली आप लोग अपने कैमराज ऑन ना करें, ठीक है, कैमरा तो होना चाहिए। अब बात हो रही थी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं बता रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है। अब मैंने आपको बताया बिजनेस कार्ड, ब्रांड आइडेंटिटी, चलिए एक लोगो की बात कर ली, लोगो डिजाइन। अब ये जो जूम का लोगो है या एडोब इलस्ट्रेटर का जो लोगो है या आइकन है, ये आजकल रोबोट्स आ गए हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे दिया। और ये रोबोट्स क्या है? ऑनलाइन रोबोट्स है, ठीक है, ऑनलाइन रोबोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्री लोगो मेकर, आप गूगल पर लिखेंगे फ्री लोगो मेकर, आपको यहाँ पर बहुत सी वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि खुद ऑटोमेटिकली आपको लोगो क्रिएट करके दे देती हैं।
ठीक है, जिसमें कैनवा भी आ जाता है। ये वो वेबसाइट है जो कि ऑटोमेटिकली आपने इनको कमांड देनी है कि मुझे इस कंपनी के लिए इस कलर का और ये उसका नाम है और फॉन्ट स्टाइल ये होना चाहिए, मुझे ये लोगो बना के दे। ये आपको डायरेक्ट लोगो बना के दे देगा। बट बात है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन की, हम लोगों ने अपने लिए तो लोगो नहीं बनाना, हम लोगों ने बनाना है किसी की कंपनी के लिए, हम लोगों ने काम करना है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। हम लोग अपनी कंपनी नहीं चला रहे, हम किसी की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास हम काम करेंगे, ठीक है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो उनकी जो कॉन्सेप्ट है, हर लोगो के पीछे जो भी एक लोगो डिजाइन होता है, जो एडोब इलस्ट्रेटर का डिजाइन है या जूम का जो डिजाइन है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा। मतलब कंपनी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग ये कंपनी बनाने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या चीज है इसके ऊपर पब्लिश करेंगे, या इस कंपनी के थ्रू हम लोगों का टास्क क्या होगा। ठीक है, एआई का मतलब है एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर ये तो है एक टूल है, पर जो लोगोस बनाते हैं उनके पीछे उनका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। आप सिंपली नेम एक वेबसाइट पे एआई को, जो ये मैंने ये वेबसाइट आपको बताई है, इनको मैं जस्ट अगर नेम और कलर बता दूं जो कि मेरे क्लाइंट ने कहा है, बट अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो क्या ये वो कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकेगा? ये जो वेबसाइट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो रोबोट है, वो क्या क्या हमसे यानी डिमांड करता है लोगो जनरेट करने के लिए? कि आप मुझे नेम बताएं, आप मुझे बताएं कि कलर क्या रखना है, आप मुझे बताएं कि फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है। इन तीनों चीजों पर किसी का भी लोगो बेस नहीं करता। लोगो बेस करता है आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी कंपनी काम क्या करती है, आपकी कंपनी की सर्विसेज क्या है। ठीक है, लोगो फिर बनाए जाते हैं, हम आइकन बनाते हैं लोगो के लिए। फॉर एग्जाम्पल फाइबर का या ट्विटर, ट्विटर का मेनू, कोई कॉन्सेप्ट मेरे जेन में अभी आ तो नहीं रहा। मैं आपको एक खुद से बनाया हुआ लोगो दिखाती हूँ। This one. अब ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहां पर लोगों की केयर की जाती है या जहां पर लोगों को शेल्टर दिया जाता है। ठीक है, शेल्टर के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे क्या दिया? एक तो नेचर का उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट दिया कि नेचर ऐड होनी चाहिए, दूसरा के शेल्टर है। ठीक है, शेल्टर है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करती है, जो बेसहारा लोग होते हैं उनको मदद देती है, और मदद के लिए छत की जरूरत होती है। पहली बात तो ये शेल्टर का मतलब छत होता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे शेल्टर मेरा कॉन्सेप्ट है और दूसरा नेचर कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद मैंने उनका नेम तो लिख दिया, नेम तो मैंने लिख दिया। उसके बाद जो आइकन्स बनाने हैं वो कॉन्सेप्ट के तौर पे बनाए जाते हैं। उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा और लोगों की केयर करेगा, केयर के लिए हेल्थ या नेचर नेचर का जो होता है अफेक्ट वो यूज होता है। तो दैट्स व्हाई मैंने इसके ऊपर शेल्टर के लिए हाउस बना दिया, और साथ मैंने दो लीव्स बना दी जो कि नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लोगो के पीछे कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ये काम नहीं कर सकती, ये इंसान ही कर सकता है, क्योंकि इंसान एक अशरफुल मखलूकात है, उसमें समझने की, जानने की और क्रिएट करने की जो खसूसियात है वो एक रोबोट की नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ ग्राफिक डिजाइनर इग्नोर करें, डेफिनेटली इग्नोर करें। ग्राफिक डिजाइनर्स को कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख लें, उसके टूल्स को सीख लें, ताकि उनके ऊपर भी आप ही अपना काबू रख सकें। अब जो रोबोट से कमांड तो उनको भी आपने ही देनी है ना, अशरफ तो आपने ही रहना है। खैर, मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की भी समझ आ गई होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी समझ आ गई होगी, और टूल कौन सा पढ़ना है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो आपके क्वेश्चन है, काइंडली 5 मिनट है हमारे पास, वो आप पूछ लें।